कारवां टीवी हर पल आपके साथ। खबर बरेली से है। कोरोना से लड़ते हुए जिंदगी की जंग हार गए विधायक केसर सिंह गंगवार मनहूस खबर पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं लोग। बरेली में कोरोना महामारी के बीच लगातार एक से बढ़कर एक मनहूस खबरें सामने आ रही हैं। बरेली के नवाबगंज क्षेत्र से भाजपा विधायक केसर सिंह गंगवार की जिंदगी बेरहम कोरोना ने छीन ली। उनका नोएडा के अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां शाम उन्होंने अंतिम सांस ली। विधायक केसर सिंह के निधन से पूरे बरेली जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। पिछले दिनों विधायक केसर सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। परिवार ने उनका बरेली में इलाज शुरू कराया, मगर बेहतर इंतजाम नहीं मिल पाने से उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इसे लेकर उनके बेटे विशाल गंगवार ने अपनी पीड़ा सोशल मीडिया तक बयां की थी। हालांकि इसके बाद प्रदेश सरकार हरकत में आई और उनके इलाज का इंतजाम नोएडा के अस्पताल में करा दिया था। पारिवारिक सूत्र बताते हैं कि एक दिन पहले तक विधायक की तबीयत सुधरती नजर आ रही थी। बुधवार को उनका स्वास्थ्य अचानक ज्यादा बिगड़ गया। डॉक्टर जुटे रहे, मगर उनको बचाया नहीं जा सका। विधायक का करीब 3:15 बजे नोएडा के अस्पताल में निधन हो गया। ये खबर जैसे ही बरेली पहुंची तो भाजपा समेत पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई। लोग इस खबर पर यकीन ही नहीं कर पा रहे। केसर सिंह गंगवार पिछले चुनाव में भाजपा की टिकट पर नवाबगंज से विधायक बने थे। इससे पहले वो बसपा सरकार में MLC भी रह चुके थे और उनकी गिनती बरेली के कद्दावर राजनेताओं में होती थी। उनके भाई की पत्नी उषा गंगवार 2 बार बरेली की जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। कारवां टीवी हर पल आपके साथ।